हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो गाइस, आई होप यू हैव एन अमेजिंग डे। आज फाइनली मैंने बाय कर लिया है एक न्यू हेलमेट। पिछले वाला जो हेलमेट था वो तो बहुत अच्छा था, 3 साल मैंने उसको यूज़ किया है, उसको काफ़ी चोटें भी लगी हैं गिरने के साथ, उसने काफ़ी मुझे सेव रखा। उसमें भी मैंने ये 2-3 चीज़ें मद्देनज़र रखी थी कि वो होंगी तो मैं उसको यूज़ करूँगा। एक तो वो ब्रांडेड था, डॉट प्रूफ था, और उसके अंदर ये था कि डिटैचेबल वाइजर था। ठीक है, अभी वाला जो सा है हेलमेट मैंने जो बाय किया है, जैकाई का हेलमेट न्यू बाय किया है, उसके अंदर भी मैंने कुछ पॉइंट्स रखे जिसके बाद मैंने ये डिसीजन लिया कि यही वाला लेना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले वो जो हेलमेट है न्यू वाला, मेरा एक दोस्त है वो यूज़ कर रहे हैं और उनका एक्सपीरियंस हो गया 4 मंथ्स का। हमारे साथ वो टूर पर भी गए थे नारान में, तो वहाँ पे उन्होंने वो यूज़ किया था, तो काफ़ी कंफर्टेबल रहा है। सबसे मेन चीज़ आपने ये देखनी है कि कंफर्टेबल होना चाहिए, नंबर सेकंड डॉट प्रूफ होना चाहिए, पार्ट्स ऑफ अवेलेबिलिटी होनी चाहिए उसके अंदर कि हमें चीज़ें आसानी के साथ मिल जाएं। उसके बाद उसका लाइट वेट होना चाहिए, लेकिन मजबूत होना चाहिए लाइट वेट के साथ साथ। पैडिंग जो सी है उसकी, जो सा भी आपने लेना है उसकी पैडिंग रिमूवेबल होनी चाहिए ताकि हम उसको क्लीन कर सकें आने वाले वक्त में, अगर वो डस्ट ज़्यादा चली जाती है उसके अंदर। तो 3 से 4 किस्म के जो से होते हैं वो हेलमेट होते हैं, फुल फेस, हाफ फेस और ओपन। ओपन तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, हाफ फेस मैंने पहले भी यूज़ किया है, जो मेरे नज़रिए के मुताबिक उसमें कुछ प्रॉन्स एंड कॉन्स भी हैं। फुल फेस हेलमेट है उसके तो फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, बट जो सा है जो मैंने लिया है वो फ्लिप फ्लॉप लिया है, जो कि हाफ फेस भी उसको कहा जा सकता है। ज़्यादा देर बातें करने के बजाय जो सा है उसके ऊपर चलते हैं, उसको अनबॉक्स करते हैं ताकि फिर साथ साथ जो सी है उसकी खामियां और खूबियां बयान की जा सकें दूसरे हेलमेट के बरक्स। सो गाइस, लेट्स ओपन इट। डब्बे को करते हैं पीछे एंड हियर वी गो गाइस, लेट्स ओपन इट। क्या निकलता है जिस बैग के अंदर से, हेयर वी गो। ये है जी, इसके अंदर से निकला एक अदद हेलमेट। अगर मैंने इसको प्रेफर क्यों किया, इसके ग्राफिक्स की वजह से। इसके जो अगर आप लोग देख रहे हो तो बहुत ही अच्छे जो से हैं इन्होंने फिनिशिंग की हुई है इस हेलमेट के ऊपर। मुझे तो ये बहुत ही सिंपल और बेस्ट लगा था ये हेलमेट, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में। एंड दिस इज़ आल्सो डोर प्रूफ। ये मॉडल जो सा है वो JIEKAI-902 है। 5 पॉइंट्स आप लोगों ने मद्देनज़र रखना है कि आपने ये चीज़ें देखनी है लाजमी, और फिर उसके बाद आप लोगों ने बाय करना है हेलमेट। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी ड्यूरेबिलिटी, सेकेंड वेट, थर्ड पार्ट्स की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, और फोर्थ वन जो सा हो गया वो प्राइस होगी। और एक ये भी नज़र रखना है कि ये डॉट प्रूफ लाजमी हो, क्योंकि अगर खुदा ना खासा एक्सीडेंट होता है रोड के ऊपर हमारा असर लगता है। ये ही चीज़ एक रहती है जो हमें सेफ करेगी। तो चलें इसके स्टार्ट करते हैं, ऐसी खूबियाँ और खामियाँ आप लोगों के साथ और से शेयर करता हूँ कि क्या बेनिफिट है और क्या नुकसान हैं। मैंने जो बाय किया है वो जैकाई का फ्लिप फ्लॉप बाय किया है हेलमेट, जो कि हाफ फेस ऊपर हो जाता है। हाफ फेस हेलमेट भी इसको कहा जाता है, फ्लिप फ्लॉप भी कहा जाता है इसको। 2 किस्म के और होते हैं, एक तो ओपन बिल्कुल होता है जो सर जस्ट हेड के ऊपर आ जाता है, और थर्ड वन जो सा है वो होगा हमारे पास हेलमेट फुल फेस हेलमेट, जो कि ये वायर ये ऊपर नहीं होगा। इसमें फ्रंट में आप देखें तो ये 2 वेंटिलेशन सिस्टम है, ऊपर हेड पर है, गर्मियों में ख़ासतौर पे ये बहुत ज़्यादा काम देगा, और बैक साइड पर भी है। अगर फ्रंट से हम लोग ओपन करते हैं इसको वेंट्स को, तो बैक साइड से जो सा है हमारी एयर क्रॉस होगी और हमें पसीना वगैरह नहीं आएगा, सर गीला वगैरह नहीं होगा। विंड स्क्रीन जो सी इसकी है वो पॉलीकार्बोनेट की बनी हुई है और स्क्रैचेबल नहीं है। अगर आप इसके ऊपर यूज़ करते हैं कुछ ज़्यादा नहीं जोर डाल के, वैसे ही हम अगर यूज़ करते हैं तो प्लास्टिक लगा हुआ है इसलिए ये यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा अभी, लेकिन ये अनस्क्रैचेबल इसकी जो सी है विंडशील्ड है।
इतनी जल्दी खराब होने वाली नहीं है। तो गाइस अगर आप इसके अंदर देखें, इसके अंदर चिन कर्टन लगी हुई है जो कि हमारी फेस को थोड़ी सी हेल्प भी करती है। और बेस्ट पार्ट जो सा इसका मुझे ये पसंद आया है, ये वाला पसंद आया कि इसको जस्ट लाइक दिस ओपन हो जाता है। और ये मेटल का बना हुआ है, अच्छी क्वालिटी का है, इतना ख़राब प्लास्टिक नहीं यूज़ हुआ है कि वह जल्दी ख़राब हो जाए। पैडिंग जो सी है इसकी काफ़ी सॉफ्ट और डिटैचेबल है, गंदी हो जाए तो हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं धोकर दोबारा से। इसके अंदर इन्होंने एक और एक्स्ट्रा फीचर दिया हुआ है कि अगर आप इसको प्रेस करेंगे तो ये आगे से ग्लासेस डाउन हो जाएंगे, जो कि मॉर्निंग में सनग्लासेस का काम इस्तेमाल कर सकते हैं, सनग्लासेस लगाने की लग से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे इसको फिर दोबारा इसको प्रेस करेंगे और ये दोबारा से ऊपर चला जाएगा। और काफ़ी थोड़ा सा हार्ड है, इतना नरम नहीं है कि ये खुद ब खुद नीचे नहीं गिरेगा। ये काफ़ी अच्छी इन्होंने चीज़ दी हुई है। वन मोर थिंग कि ये वाइजर जो सा है ये इसका डिटैचेबल है, अगर मैं इसको यहाँ से प्रेस करूँगा ये देखिएगा ये बाहर आ गया, और फिर दोबारा इसको प्रेस करने से ये दोबारा अंदर चला गया। तो ये बड़ी ही अच्छी ऑप्शन है इसके अंदर कि हम इसको उतार कर साफ कर सकते हैं। जो इसके ग्राफिक्स मुझे बड़े अच्छे लगे जो इन्होंने किया, सिंपल है लेकिन बेस्ट है। तीन कलर से ब्लू, ग्रीन और ये रेड, मुझे रेड पसंद आया। मेरे पास पहले भी जो सा था वो ग्रीन था, इस वजह से मैं रेड को प्रेफर मैंने ज़्यादा किया। सो गाइस इतना ही नॉर्मल सिंपल, इसमें मैं इतनी ज़्यादा इसके डेप्थ में तो जा नहीं सकता। इंशाल्लाह ताला फिर अगली वीडियो में जो सा है इसकी गोप्रो की माउंटिंग होगी वो वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा। आप लोगों ने लाजमी मुझे बताना है कि ये वीडियो कैसी लगी। लाजमी लाइक शेयर और सब्सक्राइब माई चैनल, ऑल्सो इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करते रहा करें, माई इंस्टाग्राम इज एडवेंचरस रोड बाइकर। इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह निगेबान।